पहले शुरू में फैमिली पेंशन में भी हमारा कंट्रीब्यूशन जाता था, वो कंट्रीब्यूशन 71 से लेकर 95 तक 8,500 करोड़ भरा था। वो कंट्रीब्यूशन वो टोटल कॉर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट ये 95 के पेंशन में डाला और उसको पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। स्टिल पेंडिंग वो अभी भी गवर्नमेंट की पब्लिक अकाउंट में है, जबकि प्रोविडेंट फंड से लिंकअप ये ईपीएस 95 है। तो प्रोविडेंट फंड के हिसाब से जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड का होता है उसी हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 30% अमाउंट ऑफ ईपीएस कॉर्पस जो लगभग 3 लाख करोड़ है उसका 35% पब्लिक फंड में डाल दिया। सर इट इज़ अ फैक्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पूरा लिखा कि जबकि प्रोविडेंट फंड का स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट में 22% है और ईपीएस 95 का 1% भी नहीं, मतलब इतना कॉर्पस का फंड का दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट किया फ्रॉम 71 और अभी तक कर रही है। हमारा पैसे का उपयोग वो अर्थ संकल्प तो फिजिकल क्या बोलते हैं उसको डिफिसिट उसको भरने के लिए करती है और हमको बोलती है एक नया पैसा आपको हम ही दे सकते। 1,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन किया वो भी किस प्रकार से किया कि जिसकी पूरी 58 वर्ष तक वो रेटा लगा दिया, जिसकी एक आधी मिल में काम करता है कामगार वो 56 साल का अगर रहता है और उसकी मिल बंद गिरती है तो उसको उन्होंने दिया नहीं, 1,000 नहीं दिए, तो बहुत ही गलत ढंग से वो हमसे पेश आ रहे हैं। और ये नहीं बता रहे कि ये पैसे का क्या कर रहे हैं। 71 से लेके अभी तक सर इतना बड़ा घोटाला इसमें है, ये पैसे का इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या रिपोर्ट करता है। एक ऐसा कि फंडेड स्कीम इसको बोला जाता है, फंडेड क्यों बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट फ्रॉम 72 to 2 1 रुपया 16 पैसे इनमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, 1 रुपया 16 पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन तो था लेकिन वो भरते ही नहीं पैसे। क्या रिपोर्ट में होता है कि 2005 से 12 तक 2,000 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भरा ही नहीं। अब जब पैसे ही नहीं भरते तो काहे के इसको क्या बोलते हो फंडेड क्यों बोलते हो। अब आपका फंडेड होने के कारण कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। ये ईपीएफओ बार बार उनको बोलता है कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल लेना चाहिए, उसके ऊपर जो बंधन लगे हुए है वो फ्री हो जाएंगे। एक तो आप पैसे भी भरते नहीं, लिसन टू मी सर, पब्लिक फंड में डाला है सर। हम ये चाहते हैं कि इसको स्पेशल डिपॉजिट में अकाउंट में क्यों नहीं डाले जिससे रिटर्न अच्छा रहे। तो जो 36,000 करोड़ रुपया अनकनेक्टेड है ईपीएफ उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक इंटरेस्ट नहीं देती, नहीं देती। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देंगे। हाँ, लेकिन साथ के साथ प्रपोजल ये है कि उसका एडवांटेज उनको ना मिलते दूसरी स्कीम्स में डायरेक्ट किया जाए। देखो सर, प्रोविडेंट फंड सभी का कटता था, जो है जो वो सभी को हमने बोला है सर। हमें है ये भी चैलेंज लगाया था नागपुर में, हमारा सम्मेलन हुआ था बढ़ा, उसमें हमने बोला था कि 2,000 करोड़ रुपए आपका सहभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का सहभाग भरते नहीं और इसको फंडेड बोलते हो। तो जैसा कि एक आधा इंस्टीट्यूशन ने अपने कामगारों का पैसा प्रोविडेंट फंड का नहीं भरा तो क्या हाल होती उनको मालूम है। आपने ये इतने 2,000 करोड़ रुपए नहीं भरे थे, आपके ऊपर FIR क्यों दर्ज किए। हमने नागपुर में चैलेंज किया था 30 अगस्त 2015 को बंगारू दत्तारे को 2,000 करोड़ भरना पड़े, अभी भी 3,200 करोड़ रुपये अभी उन्होंने भरे नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि बुरी तरह से इस फंड को बुरी तरह से दुरुपयोग किया है। तो इस प्रकार से हमें इसका सजेशन ये है कि ये प्रोविडेंट फंड से निकली हुई कॉन्ट्रीब्यूटर पेंशन फंड, तो जैसा ही आप कॉन्ट्रीब्यूट प्रोविडेंट फंड का तुम इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें डिपॉजिट अकाउंट में स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट में उसी हिसाब से इसका क्यों नहीं किया, उसी हिसाब से करना चाहिए और रिटर्न जो है अच्छे आने चाहिए, जिसमें से आप आज के तारीख में 3 लाख करोड़ रुपए कॉर्पस है, 3 लाख करोड़ ईपीएस 95 का। कुछ नहीं सर, वो उल्टा सीधा उत्तर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं,
नहीं वो तो गवर्नमेंट है तो ये ट्रस्टी भी क्या है मेरा एक सजेशन प्राइवेट हो गया सर मेरा एक सजेशन है कि आप एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट कर दीजिए और वो मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके आप हमको भेज दीजिए जो हम आप बीपीएस के लेटर राइट लगा के इसको आगे बिल्कुल ठीक है तो पॉइंट चार्ट ये ठीक है तो वो मेमोरेंडम हम आपका अपने लेटर हेड पे बीपीएस के लेटर हेड पे डाल के भेजेंगे एक सेकंड सी हमने